सो ये आया है नेपाली ब्रेकफास्ट जो मैं बिल्कुल भी टेस्ट भी नहीं करना चाह रही हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है मॉर्निंग में, एंड मैं ओनली फ्रूट्स खाऊंगी, चाय मैं पी चुकी हूँ। सो गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड अभी हम काठमांडू से जस्ट चेकआउट करने लगे हैं एंड अब हम लोग जा रहे हैं पोखरा, वहाँ पे लेक वगैरह देखेंगे। यहाँ पे काफी अच्छा टाइम हम लोगों ने बिताया। बस हम लोगों का जो लगेज वगैरह है वो जा चुका है, अब बस मेरा जाना बाकी है एंड दीदी मुझे बुला रहे हैं, लिफ्ट आ चुकी है, लेट्स गो। भैया ड्राइव कर रहे हैं और हमको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमको कहाँ लेके जा रहे हैं। भैया हेलो कर दीजिए हमारी यूट्यूब फैमिली को। हेलो, आप ऐसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें ना। यस थैंक यू, वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर से करें एंड इतना प्यारा लग रहा है ये, वो हमको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं इस जगह के बारे में और उन्होंने हमको काफ़ी कुछ बताया किंग एंड क्वीन के बारे में एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब बहुत मज़ा आ रहा है, वो एंजॉय है। सुबह उठते ही मतलब बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें होती हैं। वहाँ पे क्या होता है कि ना रेडियो के ऊपर होते हैं फ्रूट्स वाले, यहाँ पे साइकिल के ऊपर है एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और मतलब है तो इंडिया की वाइब थी, और ऑफकोर्स इंडिया जैसा ही दिखता है, ऐसा कुछ बहुत अलग सा नहीं है, पर लेकिन हाँ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें वो हैं कि हाँ बहुत ही डाउन टू अर्थ है और नॉर्मल चीज़ें हैं। इनकी जो रेट्स हैं ये भी दो बताते हैं, एक नेपाली प्राइस बताते हैं और एक इंडियन प्राइस बताते हैं। ये एक्सेप्ट करते हैं इंडियन रुपीज़, और ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा ईजी हो जाती है कि हाँ ये इंडियन रुपीज़ पहले एक्सेप्ट करते हैं नेपाली बात में। सो अभी हम लोग भैया को खिलाइए इंडियन सुपारी एंड भैया इज लाइक याम याम। ये है नेपाल का हाईवे एंड यहाँ से एक पूरा का पूरा व्यू है, हालांकि पहाड़ जहाँ पे पहाड़ होता है वहाँ पे अलग ही वाइब्स होती है। हम लोग भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो पहाड़ तो वहाँ पे भी है, पर लेकिन वहाँ पे डेजर्ट वाले हैं और यहाँ पे हरे भरे हैं। बारिश होती है तो हमारे भी पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, पर लेकिन ये वाले कुछ अलग है, यहाँ के पेड़ अलग है, वाइब्स अलग हैं। और अगर आपको हल्का सा दिखेगा तो वहाँ पे ना आइस भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ठंड काफ़ी है यहाँ पे, नो डाउट। ये देखिए ये हाईवे, अभी यहाँ से बस निकलेगी, बस आ रही है। यहाँ पे म्यूज़िक भी हिंदी चलता है, इनको हिंदी पूरी समझ आती है, वैसे ये हिंदू कल्चर को ही फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट, बुद्धा से ज़्यादा यहाँ पे हिंदू है, हिंदू धर्म को जो फॉलो करते हैं। ये यहाँ की नेपाल की पुलिस है जो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है अपनी चीज़ों के साथ एंड यहाँ पे सारी चीज़ों का। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमने भैया का नाम रख दिया है राजू। शॉप है यहाँ पे, हम रुके हैं, हमने सोचा ऐसे ब्रेड एंड समथिंग कुछ ले लेते हैं, रिचार्ज करवा लेते हैं। भैया से हमने ये किया कि आपके फ़ोन पे हम नेट पर रिचार्ज करा देते हैं और यूज़ कर लेते हैं, और लेकिन यहाँ पर रिचार्ज नहीं हो रहा है तो हम लोग कुछ ब्रेड वगैरह ले लेते हैं। एंड ये छोटा मोटा मार्केट है इस विलेज का। सो अभी यहाँ पे हम कुछ शॉपिंग कर रहे थे कि लाइक सबके लिए जब नेपाल से जाएंगे तो इंडिया से कुछ लेके जाएंगे, इंडिया ऑफकोर्स जो भी हमारे मिलने वाले हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेंगे। तो हमने सोचा भगवान का कुछ सामान लेते हैं, और तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं, बाकी और देखेंगे कुछ कपड़े वगैरह। तो अभी हम पोखरा जा रहे हैं तो वहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हमने थोड़ा बहुत कुछ लिया है एंड वो आपको दिखाऊंगी मैं होटल में जाके। और यहाँ पे इतना प्यारा व्यू आ रहा था कि भैया ने कार रोक दी, कहा अपनी दो चार पिक्चर्स क्लिक कर लीजिए। अब इनको मालूम नहीं है कि पिक्चर क्लिक करना तो कम पसंद है, पर लेकिन हाँ ब्लॉगिंग तो ऑफकोर्स बना ही लेते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ से झील जा रही है, यहाँ पे पूरे माउंटेन्स हैं और यहाँ से एक झरना बह रहा है, और ये तरीके का हाईवे है, यहाँ पे कार वगैरह तो ऑफकोर्स है ही। और ये रहे हमारे मम्मा, कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, कुछ खाते पीते, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले लेते क्योंकि यहाँ पे खाने का टेस्ट काफ़ी अलग है। इंडिया से आया हमने जो भी ऑर्डर किया हमने उनमें से कुछ भी नहीं खाया, फाइनली हमें पता चल गया कि हमें नेपाल में क्या खाना है, भील, बहुत यम है, बहुत यम। बस अब मैं खा लेती हूँ, बात नहीं कर पाऊँगा। सो ये है दुनिया का सबसे ऊँचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, और ये इतना क्लियरली विजिबल ही है बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारे क्लाउड्स हैं, घर भी बने हुए हैं, ये देखिएगा थोड़ा थोड़ा सा विजिबल है वो, तो जहाँ पे आइस है लोग दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए, इसको क्लाइंब करने के लिए एंड बड़ी आई हूँ इसको देखने के लिए ऑफकोर्स। और मैं तो सोच रही हूँ मैं चढ़ भी जाऊँ, व्हाट यू से गाइस। आज का जो ब्लॉग है वो शायद से कार में ही ख़त्म हो जाए। फाइनली हम आ
गए हैं लेक स्टार कैफ़े होटल हमारा। बहुत ज़्यादा लंबा समय लग गया हमको यहाँ पे आने में, 4 बज रही है सुबह, जल्दी के निकले हुए हैं हम। अभी बस जाते हैं चेंज करके फिर आपसे वापस मिलते हैं। सो 5 मिनट में मैं रेडी हुई हूँ। हम लोग फटाफट से होटल में चेक इन किया और रेडी हुए बिकॉज लेक बंद हो जाएगा फिर, और बहुत टाइम लग गया आने में क्योंकि हमारे ड्राइवर को रास्ते ही नहीं मालूम थे। वो यहाँ का होने के बाद भी बिल्कुल गवार है। दिस इज द ओनली वर्डिंग आई कैन यूज फॉर हिम राइट नाउ। इतना गुस्सा आ रही है मेरे को, पर लेकिन अभी चलते भी बहुत लेट हो रहा है। लेट्स गो। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का एंड सब लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से सब लोग बैठते हैं और आगे जाके बोटिंग होता है, तो हम लोग भी हमारे टिकट चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे हो रही है आरती, गंगा आरती हो रही है यहाँ पे स्मॉल स्टेप में, लाइक नेपाल में ये आरती गंगा आरती कहलाती है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अभी ये प्रॉपर जैसे गंगा में आरती होती है उस तरीके से दिखाएंगे करेंगे। रेस्टोरेंट में इट्स कैफे लॉन समथिंग लाइक दैट। हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे, अगर इंडियन जो है वो अगर अच्छा हुआ तभी हम ऑर्डर करेंगे। मतलब एक ऑर्डर किया है, अदरवाइज नहीं तो हम डिनर अपना वहीं पे होटल जाके ही करेंगे बिकॉज काफ़ी दिक्कत हो रहा है इंडियन का। इसका जो इंटीरियर है सब बेसिक सामान लेने के लिए, साबुन एंड ऑल छोटी मोटी चीज़ें, तो बस वो ले लेते हैं। एंड मम्मी और दीदी वहाँ पे ले ही रहे हैं, हम भी ले, मैं भी थोड़ी सी उनकी हेल्प करती हूँ। होटल में वापस आ चुके हैं, हमने छोटा मोटा वहाँ पे कुछ खाया पिया, लाइक हमने मसाला डोसा खाया, हम लोगों ने चाट पकौड़ी खाई एंड काफ़ी सारी और भी कुछ मोमोज वगैरह थे। और यहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा था इंडियन वाले टाइप्स में। एंड ये वाला जो हमारा होटल है ये भी काफ़ी अच्छा है उस वाले से। यहाँ पे शायद से सारे ऑलमोस्ट पास वाले जितने भी होटल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं एंड आई फील इधर का जो फूड ऑफ टेस्ट है वो भी अच्छा है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा अच्छा अच्छा सा महसूस हो रहा है क्योंकि मेन क्या होता है ना, फूड ही होता है। यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है, बहुत प्रिटी है। ये हमारे साइड में भी है होटल माउंट EPL एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कल हम लोग सोच रहे हैं कुछ एडवेंचर करने का एंड बाकी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक बार रूम में। और रास्ते से आते टाइम हम सुपरमार्केट से ये सारा कुछ लिया है, लाइक थोड़ा ब्रेड, दूध, लेज वगैरह और थोड़ा नमकीन। हालांकि हमारे पास ये सब कुछ काफ़ी इन स्टॉक है, पर लेकिन फिर भी हम लिया है फॉर सेफ्टी जोन। और ये जहाँ पे पूजा हो रही थी वहाँ से हमको पंडित जी ने दी अपनी तरफ से, तो ये रुद्राक्ष भी हम ऑफकोर्स लेके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लेके आए वहाँ से, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बेसिक चीज़ें जो होनी ही चाहिए। काफ़ी प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा लग रहा है, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो फाइनली हम लोग होटल में आ चुके हैं एंड आज का जो डे था वो काफ़ी लाइक क्वाइट ट्रैवलिंग वाला रहा एंड पोखरा काफ़ी ब्यूटीफुल है। हाँ, जो काठमांडू आते हैं, काठमांडू से अगर कंपेयर करते हैं तो पोखरा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन काठमांडू। एंड हम लोगों ने यहाँ पे बोटिंग किया एंड वहाँ पे आरती हो रहा था प्रॉपर, जैसे कि गंगा मैया का होता है अपने हरिद्वार में, सेम उस टाइप का आरती हो रहा था। हम लोगों ने वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा थोड़ा बहुत क्लिप। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ही मैं होटल से बाहर निकली तो मेरा फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, ये बड़ा सा कांड हो गया मेरे साथ। एंड दीदी के फ़ोन से थोड़ा बहुत पिक्चर्स वगैरह लिया, वो भी खुद के पिक्चर्स ले रहे थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई मैं, पर लेकिन जितना मैं कर पाई उतना आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी क्योंकि आई प्रॉमिस्ड यू। एंड आज का डे काफी अच्छा रहा। जो खाने वाला इशू था वो थोड़ा सा सॉर्टेड हो गया क्योंकि हम लोगों ने कल जो भी खाया उसमें कुछ टेस्ट नहीं था, आज वाला जो भी हमने खाया उसमें थोड़ा टेस्ट था।
मतलब लाइक वो खाने में अच्छा लग रहा है, तो एक अलग सा ऑयल का टेस्ट आ रहा था तो अच्छा था। और जहाँ से हम लोगों ने समोसा चाट खाया वो थे यूपी वाले, तो उन्होंने हमको काफ़ी अच्छा अच्छा सजेस्ट भी किया और बहुत यम था। एंड हम लोगों ने छोटा मोटा शॉपिंग किया, हमारे फ्रेंड्स लोगों के लिए कुछ लिया क्योंकि नेपाल आए तो ऑफकोर्स सबके लिए कुछ ना कुछ लेना तो बनता ही है, राइट। अभी बस होटल में आए, अभी हम लोग डिनर के लिए ऑर्डर करेंगे, 9 बजे से पहले करना है तो 30 मिनट्स लेफ्ट है, मैं चेंज करके ऑर्डर करने वाली हूँ। और इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। एंड आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड ये था पोखरा वाला ब्लॉग कि हम लोग यहाँ पे कैसे आए, भी मैं आप लोगों को कल पूरा पोखरा घुमाने वाली हूँ कि हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। सो सी यू टुमारो, बाय।